अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो यार इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मोबाइल पे अपनी वीडियो के जो कॉर्नर्स होते हैं या साइड्स होते हैं या जितनी भी आप वीडियो के साइड्स को ब्लर करना चाहते हैं, सिर्फ आप फोकस अपने मेन प्लेयर और एनिमी पे करना चाहते हैं, जैसे कि पीसी यूज़र्स नॉर्मली करते हैं। आपने गोली गेमिंग को करते हुए देखा होगा, वो बिल्कुल सारे साइड्स ब्लर कर देते हैं और बिल्कुल वीडियो का सेंटर जो होते हैं प्लेयर और एनिमी वो बिल्कुल विजिबल होते हैं। तो नॉर्मली मोबाइल पे आज तक ये किसी ने नहीं किया, चाहे वो बेशक एलाइट मोशन यूज़ करते हैं, क्योंकि और किसी सॉफ्टवेयर में तो ये होता नहीं, ऐप्स में सिर्फ एलाइट मोशन में ही होता है। लेकिन एलाइट मोशन पे भी आज तक किसी मोबाइल यूज़र ने नहीं किया, क्योंकि ये जो इफेक्ट है ये एलाइट मोशन में तैयार नहीं मिलता, इसको बनाना पड़ता है। तो बनाने का तरीका मैं आज आपको सिखाऊंगा कि इसको एलाइट मोशन में कैसे बनाना है, ठीक है? फिर मेरे बाद बेशक आप जितने प्रो मोबाइल एडिटर्स हैं तो वो बेशक इसको यूज़ करके फिर आपको सिखाते रहें, क्योंकि जब मैं आप ट्यूटोरियल अपलोड कर देता हूँ तो पूरा टिक टॉक उसी ट्यूटोरियल से भर जाता है, फिर वो लोग यूज़ नहीं करते बल्कि उसके ट्यूटोरियल बना के अपलोड करना शुरू कर देते हैं। तो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने कलर ग्रेडिंग की थी अपनी उस वीडियो की, जिसका मैं ऑलरेडी आपको स्लोमो और वेलोसिटी सिखा चुका हूँ। तो उसकी कलर ग्रेडिंग हमने की, और अब उसकी कलर ग्रेडिंग के बाद उस पर हम कॉर्नर ब्लर इफेक्ट लगाएंगे। तो शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो इसके लिए हम सबसे पहले ये करेंगे कि सबसे पहले हम लेंगे एक शेप लेयर, ठीक है? तो शेप लेयर में मैं सर्कल लेयर लूंगा इस बार। तो सर्कल लेयर मैं सर्कल को मैं इतना बड़ा करूंगा जहां जहां तक मुझे कॉर्नर्स को ब्लर करना है। तो ये सर्कल के बाहर का जो हिस्सा है इसको हम ब्लर करेंगे, ठीक है? सर्कल के अंदर का नहीं, ये जहन में रखें। तो सर्कल में वो जगह रखें जिसको आपने ब्लर नहीं करना। तो इसमें मैं इस तरह करता हूँ कि जस्ट एनिमी और जो मेरा प्लेयर है उसको मैं कवर कर लेता हूँ, बाकी सब कुछ मैं ब्लर करना चाहता हूँ, ठीक है? तो इस सर्कल को उतना ही लेंगे। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, इसको पहले मैं अपनी पूरी लेयर के मुताबिक एडजस्ट कर लेता हूँ। सो एडजस्ट हो गया। अब नेक्स्ट कर इस तरह करते हैं कि हम इस पे ऐड करेंगे सबसे पहले डायरेक्शनल ब्लर का इफेक्ट, ताकि इसके एजेस ब्लर हो जाएं इस सर्कल के। देखते हैं, तो इसकी वैल्यूज आप थोड़ी ऊपर नीचे कर लें, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी जो वैल्यू यहाँ पर है ये यहीं पर ठीक है, ठीक है? इसको मैंने आगे पीछे किया पर इसका कोई फायदा नहीं, इसकी वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट जो इसकी ऑलरेडी वैल्यू इसमें मौजूद होती है वही रखें। हाँ, इसका ब्लर आप थोड़ा ज़्यादा करना करें कम करें वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक, लेकिन इतना करें कि बस ये कॉर्नर और इसके थोड़े ब्लर नज़र आए। इस पर एक और इफेक्ट डाल देते हैं गार्शियन ब्लर का भी, ठीक है? तो गार्शियन ब्लर डाल के उसकी भी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा कर देंगे, ताकि एजेस हर साइड से ब्लर हो जाएं। नेक्स्ट हमने ये करना है, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ कि मेरी मेन लेयर पे क्लिक करके इसकी मैं एक डुप्लीकेट कॉपी ले लूंगा, ठीक है? मेरी लेयर्स दो हो गई हैं। अब करना ये है कि ये मैं हटा देता हूँ, ये जो ऊपर जो हमने लेयर ली है इसको मैं अपनी सेकंड लेयर जो मैंने डुप्लीकेट लेयर बनाई उसके साथ टच कर देता हूँ ये नीचे करके, ठीक है? अब मैंने इन दोनों को आपस में ग्रुप करना है। अब ग्रुप करने के लिए मैंने इसको इन्वर्टेड मास्क बनाना है। तो ये जो पहला ऑप्शन मैंने क्लिक किया इससे इन्वर्ट मास्क नहीं बनेगा, और इसको स्ट्रेच करके अगर मैं सेकंड ऑप्शन भी क्लिक करूंगा तो इससे मेन मास्क बनेगा, इन्वर्टेड मास्क नहीं बनेगा। ये देख रहे हैं इसमें मेरा प्लेयर नजर आ रहा है, हालांकि मुझे कॉर्नर्स चाहिए, ठीक है? तो कॉर्नर्स के लिए मुझे इन्वर्टेड मास्क चाहिए। तो फिर मैं बैक जाता हूं। अब फिर से मैं दोनों लेयर्स को, मेरी शेप लेयर और डुप्लीकेट लेयर को कॉपी करके ये तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो इन्वर्टेड मास्क बनेगा। ये देख रहे हैं ये मास्क बन गया है, मेरी नीचे वाली लेयर डिसेबल करके आप देख रहे हैं सिर्फ कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं। अब ये कॉर्नर्स पे जो आप ब्लर का इफेक्ट लगाएंगे तो ये कॉर्नर्स ब्लर हो जाएंगे। तो सिंपल यही इफेक्ट है अपनी वीडियो के कॉर्नर्स को ब्लर करने के लिए, ये प्रोसेस है। इस पे आप सिंपल अब गार्शियन ब्लर इफेक्ट डाल दें, ये आपका गार्शियन ब्लर है। तो गार्शियन ब्लर आप जैसे ही डालेंगे देखें आपकी वीडियो साइड से पूरी ब्लर हो गई है। अब दरमियान में इसलिए नजर आ रही क्योंकि वो लेयर मैंने डिसेबल की हुई है, वो लेयर इनेबल करेंगे तो वीडियो सेंटर में
क्लियर नजर आना शुरू हो जाए। देखिए अब वीडियो का सारा फोकस आपके प्लेयर पर हो गया है और बाकी जितने साइड्स हैं वीडियो के वो ब्लर हो गए। तो गाइज इस तरह से आप वीडियो के साइड्स को ब्लर कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में मोबाइल में आज तक किसी ने नहीं किया, तो मैंने आपको सिखा दिया ताकि आप लोग इसको यूज़ करें, ठीक है। अच्छा इसको आप देखें, इसको आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं आप अपनी मर्जी के मुताबिक। आप ग्रुप को एडिट कर दें और इसको ऊपर नीचे करें, ब्लर को कम ज़्यादा करें अपनी मर्जी के मुताबिक, बाद में भी इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्लर के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो रेस की है, वो भी अपलोडेड है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, तो वो चेक करें। थैंक यू।